welcome to my youtube channel road to success this is part 11 video of the video series relations and functions so in this video we will be practicing how to solve polynomial functions and the related attributes of polynomial functions so let's get started so our first question is which of the following functions is an odd or an even function so this is our first part so ऑड और इवन फंक्शन हमें पता है ऑड फंक्शन वो होता है जिसमें अगर हम नेगेटिव इनपुट करें तो हमें नेगेटिव आउटपुट मिले और इवन क्या होता है जिसमें हम नेगेटिव इनपुट करें तो हमें पॉजिटिव आउटपुट मिले ठीक है ऑड में नेगेटिव इनपुट नेगेटिव आउटपुट इवन में नेगेटिव इनपुट पॉजिटिव आउटपुट तो वो हम चेक कैसे करेंगे अब हम कहेंगे इसको सो वी कैन से दैट एफ एक्स इक्वल्स थ्री एक्स द पावर फोर माइनस फाइव एक्स टू दावर सेकेंड प्लस सिक्स ठीक है तो इसके बाद हम क्या करेंगे वी विल पुट एक्स इक्वल्स माइनस एक्स इन एफ ऑफ एक्स वी गेट और अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स वज थ्री एक्स टू दावर फोर माइनस फाइव माइनस एक्स टू दावर सेकेंड प्लस सिक्स अब देखिए अगर हम एक्स को इवन पावर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आंसर में पॉजिटिव एक्स टू द पावर फोर मिलेगा सिमिलरली एक्स माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव एक्स मिलेगा पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर सो so, ये इक्वेशन बन गई हमारी विच इज विच इज वट ये इक्वेशन डायरेक्टली इस इक्वेशन के इक्वल है सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली एफ ऑफ एक्स सो देर फोर एफ ऑफ एक्स क्या है इवन फंक्शन ठीक है इवन फंक्शन क्यों है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू डालने पे भी हमको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है दैट इज वाई एफ ऑफ एक्स इज एन इवेंट फंक्शन सो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं सो सेकेंड पार्ट में ये दिया हुआ है हमको वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू टू एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स ठीक है नाउ वी पुट एक्स इक्वल माइनस एक्स इन एफ एक्स सो वी गेट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू टू दी पावर माइनस एक्स की क्यूब प्लस फाइव इंटू माइनस एक्स सो हमें एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिला देखो नेगेटिव पावर का अगर हम और डिग्री में हम एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नेगेटिव ही मिलेगा तो हमें मिलेगा नेगेटिव टू एक्स क्यूब और फाइव इंटू माइनस एक्स माइनस फाइव एक्स अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या है अंदर ये जो अंदर वैल्यू जो बची है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एफ एक्स सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स देर फोर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अगर हम इनपुट करते हैं तो हमें नेगेटिव आंसर्स मिलता है इसलिए ये आउट फंक्शन है ठीक है तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट हमें देता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स ठीक है फिर से हम सेम प्रोसीजर करेंगे एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू इतना एंड वी पुट एक्स इक्वल माइनस एक्स इन एफ ऑफ एक्स विच वी गेट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स थ्री माइनस एक्स का क्यूब माइनस फोर इंटू माइनस एक्स ठीक है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब क्योंकि और पावर है और ये माइनस फोर इंटू माइनस एक्स हो जाएगा पॉजिटिव फोर एक्स ठीक है अगर हम माइनस कॉमन ले लें बाहर तो हमें मिलेगा थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सो so, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स माइनस एफ ओफ एक्स देर फोर हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे हमको नेगेटिव वैल्यू ही मिलती है इजी अब आपको थोड़ा सा टेस्ट पता चल गया चलेगा कैसे ऑड एंड इवन फंक्शन फाइंड करते हैं बस हम माइनस एक्स पुट कर देते हैं और देखते हैं कि हमें माइनस में आंसर मिलता है या नहीं चलो लास्ट पार्ट सो इसमें मैं एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स टू दी पावर फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स सो सिमिलरली हम पुट करेंगे एक्स को इक्वल माइनस एक्स के इन एफ एक्स सो वी विल गेट एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर फोर प्लस फाइव माइनस एक्स की पावर स्क्वेयर माइनस सिक्स एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया क्योंकि और अब इवन पावर है तो हमारे जो भी आंसर होंगे वो पॉजिटिव होंगे तो फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फंक्शन एक्स सो एफ ऑफ माइनस एक्स डालने में भी हमें एफ ऑफ एक्स मिला देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ठीक है सो इट्स वेरी इजी

ये क्यों किया क्योंकि हमें अंदर की वैल्यू के इक्वल हमें ये डालना है हमें इसके अंदर ब्रैकेट में ये डालना है बट अंदर तो हमें यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लीनियर लीनियर हमें पॉइनॉमल uh, दिया हुआ है तो हम पहले इसको माइनस टू के इक्वल पुट करेंगे ठीक है फिर हमें एक्स की जो वैल्यू मिलेगी जैसे जब ये वन इधर गया तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस थ्री सो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री तो हम एक्चुअल में माइनस थ्री की पावर पुट करेंगे तो हमको एफ ओ माइनस टू की वैल्यू पता चलेगी ठीक है तो जब भी अंदर इक्वेशन दी हुई हो उस इक्वेशन को जो भी अंदर नंबर के इक्वल पुट करना है फंक्शन को उसके इक्वल रख दो इक्वेशन को सॉल्व करो एक्स की वैल्यू जो आए तो वो पुट करो और फंक्शन के आंसर्स को देखो सो नाउ पुटिंग एक्स इक्वल माइनस थ्री वी गेट एफ ऑफ माइनस टू हमें निक, मिल एफ ऑफ माइनस टू ही रहा है लेकिन हम वैल्यू ऑफ माइनस थ्री पुट कर रहे हैं तो थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस फाइव विच इज इक्वल टू माइनस नाइन प्लस टूल माइनस फोर दिस इज चलो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में हमें कहा हुआ है कि हमें एफ ऑफ टू एक्स निकालना है सो सिमिलरली टू फाइंड एफ़ ऑफ टू एक्स वी पुट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टू टी अब यहाँ हमने टू टी क्यों रखा टी मैंने इसलिए रखा क्योंकि हमें एक डिफरेंट ये वेरिएबल डिफरेंट है ठीक है अब ये टू एक्स ज़रूरी नहीं है जो हमें एफ ऑफ एक्स के अंदर जो दिया हुआ है जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इसके इक्वल हो सो एंड टू मेक मैटर्स लिटिल बिट ईजी फॉर अर्स हमने यहाँ पर टू टी डाला है ठीक है आप चाहें तो एक्स भी रख सकते हैं बट आई वुड प्रेफर कि आप इसको एक डिफरेंट वेरिएबल का नाम दें ताकि आप इजिली सॉल्व कर सकें तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि अगर आपने यहाँ एक्स रखा तो आपको एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको फिर एक लीनर इक्वेशन ही बनेगी वो लीनर इक्वेशन आपको डालनी पड़ेगी जो कि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड हो सकता है तो जिसको सॉल्व करना सो so, उसके बजाय हमने यहाँ पे टी रखा है तो हमें मिल गया टू टी माइनस वन एक्स की वैल्यू टू टी माइनस वन अब इसे हम पुट कर देंगे सो पुटिंग एक्स इक्वल्स टू टी माइनस वन वी गेट अब ध्यान रखिए हमें मिलेगा ये एफ ऑफ टू एक्स सो एफ ऑफ टू एक्स विल बी इक्वल्स टू थ्री इंटू टू टी माइनस वन प्लस फाइव ठीक है सो so, सॉल्व करते हैं थ्री टू सिक्स सिक्सटी माइनस थ्री प्लस फाइव विच गिव्स सिक्स सिक्सटी प्लस टू ठीक है अब टी की जो वैल्यू थी एक्चुअल में क्या थी अगर हम देखें टी की एक्चुअल में सो अब हम फाइनल आंसर में क्या करेंगे टी के बजाय एक्स लगा देंगे बस ये होगा फाइनल आंसर ठीक है तो so, यहाँ हमने ज़्यादा मुश्किल कैल्कुलेशन किए बगैर हमने आंसर निकाल दिया सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया हो जो भी हमने डिस्कस किया पॉरिनॉमिकल फंक्शंस के रिगार्डिंग इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट आई विल बी मेकिंग मोर सच वीडियोज़ सो बाय सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो